हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक पांडे फार्मेसी क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोग्नोसी का एक यूनिट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, फिर उसके बाद आज उसकी एक टॉपिक हम कवर करेंगे जिसका नाम है एल्कलॉइड्स। तो दोस्तों, अगर मेटाबोलाइट्स की बात करें तो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे चीज़ों से मेटाबोलाइट्स निकलता है। मेटाबोलाइट्स मतलब जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मेटाबोलाइट्स हो चुके हैं, मेटाबोलिज्म उसमें हो चुका है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो ऐसे जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल मेटाबोलाइट्स के प्लांट्स की, तो अगर उसको कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, प्रोटीन ले लें जो कि मेटाबॉलिज्म करके मेटाबोलाइट बना, लेकिन उस प्रोटीन, उस एमिनो एसिड्स या उस कार्बोहाइड्रेट से अगर कोई दूसरा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब उससे कोई दूसरा कंपाउंड या दूसरा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, उसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए हम आज बात करेंगे एल्कलॉइड्स की। एल्कलॉइड्स भी हमारा एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कि प्लांट से डिराइव होता है। तो एल्कलॉइड्स के बारे में पहले हम जानेंगे कि एल्कलॉइड्स क्या है। तो पहले इसको हम ये जान लें कि एल्कलॉइड्स जो है वो डब्ल्यू मेसनर ने 1819 में डिस्कवर किया था। फिर हम बात करेंगे एल्कलॉइड्स जो हमारा डिराइव हुआ है वो एल्कली लाइक मैटर से, मतलब एल्कली लाइक टर्म से डिराइव हुआ है। एल्कलाई लाइक टर्म का मतलब सीधे सीधे ये है दोस्तों कि एल्कलाई लाइक मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, बेसिक नेचर का हो, एल्कली लाइक बेसिक नेचर का हो। तो हम देखते हैं एल्कलॉइड्स का डेफिनेशन यहाँ पे हम आपके सामने रख रहे हैं। एल्कलॉइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स ओरिजिन बेसिक इन नेचर एंड कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम नॉर्मली ऑफ हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर एंड हैव मार्क फिजियोलॉजिकल एक्शन व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। तो दोस्तों, हम यहाँ पे पहला एल्कली लाइक वर्ड को देख चुके हैं, बेसिक लाइक। फिर हम नाइट्रोजनस एटम, बार बार नाइट्रोजनस एटम का नाम क्यों आ रहा है दोस्तों, मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले जो एल्कलॉइड्स के हम अभी डेफिनेशन पढ़े हैं उसके बारे में डिस्कस कर लें। एल्कलॉइड्स ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि प्लांट से डिराइव हुए हैं, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसका नॉर्मल नेचर जो है वो बेसिक है और वो एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम अपने स्ट्रक्चर में पाया जाता है, मतलब उसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम पाया जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनी है उस रिंग में एक नाइट्रोजन एज अ कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो प्रेजेंट रहेगा और एक फिजियोलॉजिकल एक्शन भी प्रोवाइड करेगा, मतलब इसका कुछ ना कुछ एक्शन भी होगा जो कि वो उसको डिराइव करेगा, मतलब उसके सामने अगर हम उसको कहीं यूज़ करते हैं तो उसके वो फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे। अब दोस्तों, इस पर हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे ये सॉलिड इन नेचर होता है, जनरली जो इसका फॉर्म होता है वो सॉलिड नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। बट यहाँ हम देखेंगे एक्सेप्शंस की, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि ये हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम एज वेल एज आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये कारगर हो। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि इससे क्या एक्सेप्शंस हैं, ये हमेशा जनरली पूछता है, हर क्वेश्चन में पूछता है, और इसको अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी लिखते हो तो उसमें मार्क्स गेनिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। फिर बात करेंगे सॉलिड इन नेचर होता है, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शनल वेयर ये कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होता है, जिसमें हमने लिए हैं पिलोकार्पिन एज ए एग्जाम्पल। पिलोकार्पिन लिक्विड फॉर्म में होता है और वो एक एल्कलॉइड है। और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि पिलोकार्पिन जो है वो नॉन वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल नहीं है। वोलाटाइल मतलब आप समझ गए होंगे कि वो इजिली कम्बस्ट हो जाए एयर में, इजिली एब्जॉर्ब हो जाए एयर में, सॉलिड टू एयर में, तो वोलाटाइल उसको बोलते हैं। और कुछ वोलाटाइल लिक्विड्स भी होते हैं जिसके एग्जाम्पल हम लिए हैं निकोटीन एंड कोनी, ये दोनों भी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एल्कलॉइड्स एज एल्कलॉइड्स, बट ये दोनों वोलाटाइल नेचर के होते हैं। फिर बात करेंगे इसके कलर की, तो ये कलरलेस नेचर का होता है, ये इसकी कोई कलर नहीं होती है। फिर अगेन वी टेक एन एक्सेप्शनल एग्जांपल वेयर वी सी दैट बर्बरीन एंड बेटाडीन हैव सम कलर, एंड बर्बरीन हैज़ येलो कलर एंड बेटाडीन हैज़ अ रेड कलर, ये दोनों रेड और येलो कलर में होते हैं बर्बरीन और बेटाडीन, ये दोनों एक्सेप्शनल हैं, ये कलरलेस होता है एल्कलॉइड्स, बट बर्बरीन एंड बेटाडीन हैव कलर। फिर बोलते हैं ये किसमें सॉल्युबल होता है, तो ये जनरली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लोअर अल्कोहल में एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ये वाटर में बहुत ही रेयरली सॉल्युबल होता है, जनरली ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और लोअर अल्कोहल और नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है।
फिर हम लास्ट में फिजिकल में एक चीज, ये टॉपिक देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्कोलॉइड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. ऑप्टिकली एक्टिव होने का इन द सेंस, मतलब मेरे बताने का ये है कि डेक्सट्रोज और लिवो दो फॉर्म होते हैं, तो लिवो फॉर्म जो है एल्कोलॉइड्स का वो मोर एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू डेक्स्ट्रो फॉर्म, एंड इट्स प्रोवाइड अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन एज कम्पेयर टू डेक्स्ट्रो. मतलब लिवो जो फॉर्म है एल्कोलॉइड्स का वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज़्यादा देता है एज कम्पेयर टू डेक्स्ट्रो. ये हमारे हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिर दोस्तों हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की. केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं तो बता रहा है केमिकल नेचर के बारे में. इसमें हमें ये पता चला कि जो एल्कोलॉइड्स है उसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम तो प्रेजेंट होता है दोस्तों, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीनों तो प्रेजेंट होता है, बट इसेंशियली इसका एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन एल्कोलॉइड्स. एल्कोलॉइड्स तभी होगा जब उसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा. ये जनरली एल्कोलॉइड जो है वो एमिनो एसिड से ही डिराइव होते हैं. फिर वो हम क्लासिफिकेशन में जब देखेंगे, हैग्नर्स क्लासिफिकेशन जब देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम उसको समझ लेंगे कि किस हिसाब से नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं. फिर हम बात करेंगे, ये केमिकल नेचर हो गया, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई. केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा कि एल्कोलॉइड्स में कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बट इसेंशियली एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट इन एल्कोलॉइड स्ट्रक्चर. फिर हम बात करते हैं केमिकल टेस्ट की. हर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से हम केमिकल टेस्ट देखेंगे, हाउ वी चेक दैट इट इज प्रेजेंट और इट्स नेचर ऑफ एल्कोलॉइड्स और नॉट, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट. तो फॉर आइडेंटिफाइंग दैट देयर आर सम केमिकल टेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ यू इन व्हाइट बोर्ड. देयर इज अ मेयर टेस्ट, वेगनर टेस्ट एंड हैग्नर्स टेस्ट. इन ऑल थ्री टेस्ट वी हैव गॉट दैट प्रेसिपिटेट इफ देयर इज अ एल्कोलॉइड्स. अगर एल्कोलॉइड्स होगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा. तो पहला टेस्ट है मेयर टेस्ट. मेयर टेस्ट में हम पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं. जब हम उस सैंपल के साथ टेस्टिंग करेंगे तो हमें क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा. फिर हम बात करते हैं वेगनर टेस्ट की. तो उसमें पोटेशियम ट्राई आयोडेट सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें हमें मिलता है रेड ब्राउन कलर और ऑरेंज कलर. फिर बात करते हैं हैग्नर्स टेस्ट की. हैग्नर टेस्ट में हम देखते हैं तो उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड हम सैंपल के साथ यूज करते हैं और उसमें येलो कलर प्रेसिपिटेट मिलता है. जनरली वी ऑलवेज यूज हैग्नर टेस्ट बिकॉज इट्स सो एक्यूरेट एंड जनरली वी यूज दैट. अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की. एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो देखिए हम एल्कोलॉइड्स की नेमिंग कैसे करते हैं. इसकी नेमिंग का सबसे आसान तरीका ये है कि ये जिस प्लांट से बोले तो एल्कोलॉइड्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एल्कोलॉइड्स हर पार्ट्स ऑफ प्लांट से डिराइव कर सकते हैं हम, और ये स्टेम से, बार से, रूट से, हर जगह से, लीव से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं. तो जिस प्लांट से वो एल्कोलॉइड्स निकला रहता है उसी प्लांट्स के हम आगे आई एन ई लगा देते हैं, इन, वो हमारा वही नाम हो जाता है. जस्ट लाइक देखेंगे हम एट्रोपा से निकालते हैं एट्रोपिन, हमारा एल्कोलॉइड्स का एग्जांपल हो गया एट्रोपिन. कोका से हम डिराइव करते हैं कोकीन, कोकीन हमारा एल्कोलॉइड्स है और ये हमारा नाम हो गया आई एन ई लगा दिए. उसी तरीके से एर्गोट से हम एर्गोटामिन भी डिराइव करते हैं और यहाँ पे हम एर्गोटामिन आई एन ई लगा देते हैं और एर्गोट से डिराइव करते हैं. अब हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में क्लासिफिकेशंस की और फंक्शंस ऑफ एल्कोलॉइड्स की. आप तब से इसको नोट कर लीजिए. तो दोस्तों अब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. तो क्लासिफिकेशन तो देखिए यहाँ तीन चार तरीकों से, लेकिन आपको जो क्लासिफिकेशन याद रखना है वो बायोकेमिकल ओरिजिन से है. लेकिन हम जानते सब कुछ रहेंगे और लिखेंगे भी सब कुछ, लेकिन उसको हम शॉर्ट वे में लिखेंगे और जिसको हमें लिखना है वो ब्रॉड वे में लिखेंगे. तो पहला हम देख लेंगे जो छोटे छोटे क्लासिफिकेशन, उन तीनों क्लासिफिकेशन को पहले देख लेते हैं. पहला है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब ऐसे एल्कोलॉइड जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी डिजीज को ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस के लिए काम कर रहे हैं, ड्रग के रूप में काम कर रहे हैं, वो फार्माकोलॉजिकली क्लासिफाइड है. वो जिस हिसाब से फार्माकोलॉजिकली क्लासिफाइड इन द सेंस, मतलब जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनका नाम है. जैसे कि ऐसे ड्रग्स जो कि पेन रिलीफ में काम करते हैं और वो एल्कोलॉइड्स हैं तो हम उसको बोल देंगे एनाल्जेसिक एल्कोलॉइड्स. ऐसे ड्रग्स जो कि सीएनएस, हमारे सीएनएस पे काम करते हैं, स्टिमुलेशन का काम करते हैं, जैसे बेंजोडाइजेपिन है या ऐसा, ये सब चीज़ें हैं, ये सारे ड्रग्स हैं. तो जो सीएनएस पे हमारे ड्रग काम करेंगे उसको हम बोलेंगे सीएनएस स्टिमुलेंट एल्कोलॉइड्स.
उसी तरीके से अगर कोई एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक एल्कोलॉइड्स, ऐसे ड्रग्स जो कि एंटी कैंसरस है, एंटी कैंसरस एल्कोलॉइड्स, तो जैसे वो फार्माकोलॉजिकली क्लासिफाइड होंगे उस हिसाब से उनका नाम होगा। अब हम बात करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। केमिकल स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में इसमें हम क्या देखते हैं, एक होता है नॉन हेट्रोसाइक्लिक एंड अनदर वन इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक और नॉन हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, ये छोटा सा बस क्लासिफिकेशन है। इसमें हम केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं एल्कोलॉइड्स को, ऐसे ड्रग्स जो कि स्ट्रक्चर नॉन हेट्रोसाइक्लिक, मतलब ये है ड्रग, ये नॉन हेट्रोसाइक्लिक है, इसमें बस एक नाइट्रोजन एटम है और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो बस ये एक ये ड्रग है। तो इसका एग्जांपल ले लिया हम आइसोक्विनोलिन का, ये क्लासिफिकेशन है, और एग्जांपल ले लिया मॉर्फिन का। अब हेट्रोसाइक्लिक, अब अगर हम ये ड्रग लिए हैं, इस ड्रग में नाइट्रोजन है, और ये सारा मतलब इंपॉर्टेंट जो है वो बायोकेमिकल ओरिजिन से जो क्लासिफाइड है वो। अब बायोकेमिकल ओरिजिन किसने दिया, ये इसको हम हैग्नर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बायोकेमिकल ओरिजिन का मतलब ये है कि वो एल्कोलॉइड्स किस टाइप के हैं। ये इस इन्होंने दिया था, हैग्नर ने दिया था इस क्लासिफिकेशन को, इसलिए इसका नाम हैग्नर क्लासिफिकेशन भी है। इनके दो कंडीशंस थे, सिर्फ दो कंडीशंस के बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था, और ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही माना गया। दो इनके क्या दो टर्म्स एंड कंडीशन थे, पहला टर्म्स एंड कंडीशन ये था कि ऐसे एल्कोलॉइड जो कि सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड से डिराइव, मतलब एल्कोलॉइड्स जो कि एमिनो एसिड से डिराइव होना चाहिए, और दूसरा क्या, वो नाइट्रोजनस साइक्लिक रिंग, उनके पास एक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है, हैव नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जो उनकी रिंग है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है, उनकी रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। जस्ट लाइक दिस, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है साइकिल के अंदर, उस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। अब तीन टाइप्स की इन्होंने क्लासिफिकेशन दी, ट्रू एल्कोलॉइड्स, प्रोटो एल्कोलॉइड्स एंड सूडो एल्कोलॉइड्स, सूडो एल्कोलॉइड्स। तो ट्रू एल्कोलॉइड्स में हम बात करते हैं, ट्रू एल्कोलॉइड्स जस्ट एग्जांपल ये है। एग्जांपल क्या है इसका, ये तो एमिनो एसिड से डिराइव हुआ है, फर्स्ट कंडीशन मान लिया, और दूसरा इसमें नाइट्रोजन रिंग भी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। तो ऐसे एल्कोलॉइड्स जो कि एमिनो एसिड से डिराइव हुए हैं और उनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं ट्रू एल्कोलॉइड्स। सेकंड हम बात करेंगे प्रोटो एल्कोलॉइड्स की, ऐसे एल्कोलॉइड्स जो कि एमिनो एसिड से तो डिराइव हुए हैं बट नाइट्रोजन उनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नहीं है, वो अंदर होने के बजाय बाहर लगे हुए हैं। जस्ट लाइक दिस, NO2 जो है वो बाहर लगा हुआ है, जिसके वजह से ये दूसरा कंडीशन नहीं मैच कर रहा है कि नाइट्रोजन हमारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर होना चाहिए। एमिनो एसिड से डिराइव है बट नाइट्रोजन आउटसाइड द रिंग है। फिर बात करते हैं सूडो एल्कोलॉइड्स की। सूडो एल्कोलॉइड्स का क्या है कि ये नाइट्रोजन तो है इस साइकिल के अंदर, सेकेंड वाला तो फॉलो कर रहा है, नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग में है बट इट्स नॉट डिराइव फ्रॉम एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड से डिराइव नहीं हुआ है। ये इस हिसाब से एल्कोलॉइड्स को क्लासिफाइड किए हैं, ट्रू एल्कोलॉइड्स, प्रोटो एल्कोलॉइड्स एंड सूडो एल्कोलॉइड्स। तो दोस्तों ये तीनों क्लासिफिकेशंस हो गए। अब हम लास्ट में बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शंस की अगर बात करें, जस्ट अ मिनट, फंक्शंस की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस इस हिसाब से होते हैं, जस्ट लाइक इट्स नेचर, इसके नेचर के हिसाब से। जस्ट अ मिनट, कुछ प्रॉब्लम है, मैं देखिए जी, अब ठीक है। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर इन द सेंस, प्रोटेक्टिव नेचर के क्यों होते हैं, प्रोटेक्टिव ड्यू टू इट्स बीटर टेस्ट, इसके कड़वेपन की वजह से ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। इस पर ये इंसेक्टिसाइड्स के भी तरह काम करते हैं, प्लांट्स में इंसेक्ट्स नहीं लगने देते हैं। दूसरा, ये पॉइजनस इन नेचर होते हैं, पॉइजनस इन द नेचर, मैं इसको बता रहा हूँ, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब लो मतलब बहुत कम मात्रा में अगर ले तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, बट ये अगर ये हाई कर देंगे तो ये पॉइजनस नेचर शो करेगा।
तो ये पॉइजनस इन नेचर है, जिसकी वजह से ये इंसेक्टिसाइड्स का तो काम करता है, साथ ही साथ जो ग्रेजिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो गाय है, बकरी है, बैल है, ये सारे जो एनिमल्स हैं, ये अगर प्लांट्स को चरना चाहेंगे तो उसके कड़वेपन से वो उसको टच भी नहीं करेंगे, एक बार के टच करने के बाद पॉइजनस नेचर का होता है। फिर बात करते हैं ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स है प्लांट्स के अंदर, और जिसकी वजह से हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रेगुलेशन, रेगुलेटरी फैक्ट्री का काम करता है। मतलब कि नाइट्रोजन के सोर्स की वजह से ये उसकी ग्रोथ के लिए, वो उसके नाइट्रोजन सोर्स के लिए, जिस जिस चीज़ के लिए नाइट्रोजन सोर्स की ज़रूरत है, वो एक एल्कलॉइड जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए मैं इसी पे स्टॉप करूँगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, और मेरे वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।